हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबियन व आदम बैनल माई वत्तीन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون। صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुक़दसा की तिलावत का शरफ हासिल किया है उसके ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू से पेशतर आइए बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी मोहब्बतों का नजराना दरूद पाक की शक्ल में पेश करें और बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीइना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुन व सलामन दाइमन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुनिया साइंसी एतबार से तरक्की की आखिरी मंजिलों तक पहुँच रही है। आदमी साइंसी तरक्की की बुनियाद पर चाँद पर कमंदे डाल रहा है, मरीख की मसाफत तय कर रहा है, सितारों की पैमाइश कर रहा है, ये सब साइंसी तरक्की की बुनियाद पर है। साइंस ने इंसान को जो तरक्कियां दी हैं उन्हीं तरक्कियों में से एक ईजाद मोबाइल और इंटरनेट भी है। ये मोबाइल और इंटरनेट, इसके बहुत सारे फ़वाद भी हैं और फ़वाद से ज़्यादा इसके नुकसान भी हैं। अगर इसके फ़वाद शुमार किए जाएं तो पहले आदमी राबता करता था ख़तों किताबत के ज़रिए, हफ्तों महीनों लग जाते थे किसी की खबर किसी तक पहुंचने के लिए। घर पे अगर कोई हादसा हो जाता था तो उस हादसे के का इल्म होते होते हादसे का सारा रंज सर्द पड़ जाता था। लेकिन इस मोबाइल की ईजाद ने इस मुश्किल को आसान कर दिया और आदमी अब पल भर में हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए अपने दोस्त अब्बा अहबाब रिश्तेदार अज़ीज़ व अकारिब माँ बाप भाई बहन से वो रिश्ते को इस्तवार कर लेता है और उनसे गुफ्तगू करके उनके हालात भी मालूम कर लेता है। और तरक्की किया इस इंटरनेट ने तो अब सिर्फ बातों तक बातें महदूद नहीं रही, अब बाकायदा आदमी सामने वाले को देख करके भी बातें कर लेता है। ये हमारे अखलाकियात में इसकी तरक्की है। मुआमलात में अगर हम देखें तो बहुत सारे मुआशी और इक्तसादी मुआमलात आज इसी मोबाइल और इंटरनेट के ऊपर मुनहसिर हैं। जो हमारी मुआशी मुश्किलात थी, इक्तसादी मुश्किलात थी, इस इंटरनेट और मोबाइल ने बहुत आसान कर दिया। अपने सामान तिजारत का इश्तहार हम उसी के ज़रिए करते हैं। किसी सामान को इसी इंटरनेट के ज़रिए मंगवा लेना, अपने सामान को कहीं पे भेज देना, बहुत सारे कारोबार इसी जो है इंटरनेट के ऊपर मुनहसिर हो गए हैं। ये एक दुश्वारियाँ भी दूर हो गई हैं। इसी इंटरनेट के इस्तेमाल से हज़ारों लाखों करोड़ों लोग कमा लेते हैं और अपनी ज़िंदगी ऐशो इशरत में गुजारते हैं। इसी इंटरनेट और मोबाइल के फ़वाद में एक फ़ायदा और अहम फ़ायदा ये भी है कि हम बहुत सारे ऐप के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए,
या वेबसाइट के ज़रिए दीन का पैगाम हम दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। दीन का मैसेज, दीन का पैगाम, अपनी तकरीरें, अपनी बातें, अपने मजामीन, बहुत सारी दीनी किताबें हम इससे फैला सकते हैं। लेकिन इनके फ़वाद से कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन जहाँ पर इसके फ़ायदे हैं वहीं पर इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं और मुज़िर नुकसान हैं। मगर बात यह है कि जब इंसान के सामने किसी चीज़ का फ़ायदा रखा जाता है तो फ़ायदे के ऊपर तो उसकी निगाहें होती हैं, वो उनके फ़वाद को तो गिन लिया करता है, लेकिन उसके नुकसान से वो पहलू तही कर लिया करता है। तस्वीर का एक रुख देख करके वो उतने इस्तेमाल में लेके आ जाता है, लेकिन दूसरे रुख से उसके क्या नुकसान हैं उसकी जानिब उसकी तवज्जो नहीं जाती है। इंटरनेट का भी यही मसला है। जिस तरीके से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इब्तिदाए इस्लाम में शराब हराम नहीं थी, शराब के हवाले से जब सहाबाए किराम ने बारगाह रिसालत में इस्तफसार किया तो कुरान पाक में उसका इजमालन हुक्म आया था। जब तक उसका तस्रीहन सराहत के साथ और हतमी तौर पे हुक्म नाजिल नहीं हुआ, और पहली मर्तबा जब पूछा गया तो कुरान पाक ने यूँ जवाब दिया था, यस अलूना कानिल खमर वल मैसिर कुल फीहिमा इथ्मुन कबीर व मुनाफिउ लिन्नास, क्या महबूब तुम फरमा दो ये शराब के बारे में तुमसे पूछते हैं तुम फरमा दो इसमें चंद मुनाफे तो हैं लेकिन इसमें गुनाह बहुत बड़ा है। तो वो लोग जो दाना बीना थे, जो हालात पर नज़र रखे हुए थे और जो अक्लमंद और होशियार थे, उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया जब इसमें गुनाह बड़ा है और फ़वाद बहुत कम है तो फिर ऐसी बातों की जानी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने वहीं पर शराब को जो है वहीं पर शराब से जो है अपना नाता तोड़ लिया। फिर उसके बाद शराब के हवाले से अब भी वो लोग जो शराब में जो है पिया करते थे, लेकिन जो है वो शराब के नुकसानात की तरफ उनकी तवज्जो नहीं गई थी। उसका नुकसान इस तरह सामने आया कि एक मरतबा मगरिब की नमाज में एक साहब खड़े हुए नमाज के लिए, और सूरह काफिरून जब पढ़ा है तो कुल या अय्युहल काफिरून, और उसके बाद जहाँ जहाँ पर ला था उसे ख़त्म कर दिया और पढ़ दिया कुल या अय्युहल काफिरून आबुदो माता आबुदून, आबुदो माता ला आबुदो माता आबुदून था, जिसका मतलब ये तुम जिस चीज़ को पूजते हो हम उसे नहीं पूजते हैं, तुम बुतों की पूजा करते हो हम बुतों की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन उन साहब ने पढ़ दिया आबुदो माता आबुदून, जो तुम पूजते हो वही हम भी पूजते हैं। तो जब ये बात सामने आई तो कुरान ने वहीं पर फौरन पाबंदी एक और लगा दिया और कहा कि ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, नशे की हालत में करीब मत जाओ। तो वो सहाबे किराम जो दानाई रखते थे उन्होंने सोचा जब ये हमें नमाज से रोकती है ये चीज़ तो फिर इसके करीब जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने वहाँ पे तर्क कर दिया। और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने शराब की हुक्म शराब के हवाले से कतअन और आखिरी हुक्म सूरह मायदा में नाजिल करके सुबह क़यामत तक के लिए हराम फरमा दिया। तो शराब में फ़वाद भी थे नुकसानात भी थे, लेकिन जो दाना बीना थे उन्होंने नुकसानात को देखा, फ़ायदों की तरफ तवज्जो नहीं गई तो वो बुराइयों से शुरू ही से बच गए, लेकिन जिन्होंने फ़वाद की तरफ तवज्जो दिया और नुकसानात की तरफ जिनकी निगाहें नहीं गईं उनका नुकसान ये हुआ कि बाद में उनसे कुछ ख़ताएँ सरजद हुईं। उसी तरीके से इंटरनेट के और मोबाइल के फ़वाद तो हैं, लेकिन इन फ़वाद से बढ़ करके कुछ ऐसे नुकसानात हैं जो हमें रूहानी तौर पे कमज़ोर कर देते हैं, हमें ईमानी तौर पे कमज़ोर कर देते हैं, हमारे जज्बात को वो ख़त्म कर दिया करते हैं। ये वो नुकसानात हैं जिन नुकसानात से इंसान एक ढांचा रह जाता है इस्लाम का, उसके अंदर कोई जज्बा नहीं होता है, कोई ताकत नहीं होती है, उसको गुनाहों से और दुश्मनों से लड़ने का कोई हौसला बाकी नहीं रहता है। ये वो नुकसानात हैं जो इंटरनेट के ज़रिए हमें मिलते हैं। उन नुकसानात के उनके शुमार अगर कराया जाए तो वो दर्जनों निकलेंगे, लेकिन आज एक दो नुकसानात मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला नुकसान तो इंटरनेट का ये है कि इस इंटरनेट के ज़रिए बेहयाई का फ़रोग हुआ है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है हमारे मुआशरे को, हमारी ज़ात को, हमारी रूहानियत को, वो इसी बात से कि बेहयाई का फ़रोग हुआ है।
जब तक ये मोबाइल नहीं था, जब तक इस मोबाइल से ज़म इंटरनेट नहीं था और सादी मोबाइल थी, उस वक्त तक बेहयाइयाँ उतनी नहीं थी। बेहयाइयाँ अगर होती भी थी तो वो हमारे मुआशरे तक उनकी बातें नहीं पहुँचती थी, हमारे घरों के अंदर तक वो चीज़ें नहीं आती थी। लेकिन जब से ये टच मोबाइल आया है और फिर उसके साथ इंटरनेट भी आ गया है, तो अब यही बेहयाइयाँ, हमारा मुआशरा तो दूर की बात है, हमारा समाज तो दूर की बात है, हमारे घर की चहार दीवारी में ये बेहयाइयाँ घुस आई हैं। बातिल ने कोशिश करके, मेहनत करके इन बेहयाइयों को हमारे घरों के अंदर रख दिया है। हमारी चहार दीवारी में भी हमारी हया महफूज नहीं है, जबकि हया मुसलमान का वो कीमती सरमाया है कि ईमान के बाद इससे कीमती कोई सरमाया नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया के बारे में फरमाया है, अल हया मिन अल ईमान वल ईमान फिल जन्ना वल बज़ा, अल हया मिन अल ईमान वल ईमान फिल जन्ना वल बज़ा मिन अल जफा वल जफा फिल नार, कि हया ईमान का हिस्सा है और ईमान बंदे को जन्नत में लेकर के जाता है। तो जिसके अंदर ईमान होगा उसके अंदर हया होगी, जिसके अंदर हया होगी उसके अंदर ईमान होगा, और इन्हीं दो चीज़ों की बुनियाद पर बंदा अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों का हकदार ठहरता है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल हया ला याती इल्ला बिखैर, हया भलाई ही लेकर के आती है, ये कभी बुराई नहीं लेकर के आती है। आपको एक मिसाल मैं दूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में थे और हिजरत नहीं किया था आपने, तो मक्का मुकर्रमा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत का हुक्म आया तो कुछ लोग हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से चले गए हबशा। तो काफिरों को और कुफारे कुरैश को इस बात से सुकून नहीं मिला, उन्होंने बाकायदा हबशा में एक जमात भेजी और हबशा वालों के पास जो है ये ख़बर पहुंचाई बादशाह हबशा के पास कि हमारे यहाँ से कुछ लोग चले आए हैं, एक नया दीन लेकर के आए हैं, न वो हमारे दीन में दाखिल है न तुम्हारे दीन में दाखिल है, यानी न वो काफिर है न वो ईसाई है, वो लोग आबाओ अजदाद के दरमियान इख्तलाफ उन्होंने पैदा किया है, हम यहाँ पे आए हैं कि आप उन्हें हमारे हवाले कर दें, हम उनके अहलो आयाल के हवाले कर दें। और इस काफिले के जो सरदार थे, जिन्हें सरदार बनाया था कुफारे मक्का ने, वो हजरत अबू सुफियान थे, वो उस वक्त ईमान नहीं लेकर के आए थे। जब गुफ्तगू हुई बादशाह के सामने तो बादशाह ने कुछ बातें पूछी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, मज़हब इस्लाम के हवाले से, तो वो सारी बातों का जवाब जो है अबू सुफियान ने बिल्कुल सच सच दिया था। पूछा था बादशाह ने, बताओ इससे पहले तुम्हारे अंदर किसी ने नबुवत का दावा किया? कहा नहीं। कहा अंबियाए किराम ऐसे ही होते हैं, क्या उन्होंने कभी झूठ बोला, कभी दगा दिया, कभी किसी को फरेब दिया? कहा नहीं। कहा अंबियाए किराम की ये सिफात है। फिर पूछा कि गरीब लोग उनके ताबे हैं या अमीर और कबीर लोग? तो अबू सुफियान ने कहा कि नहीं, गरीब लोग ज़्यादा उनके दीन के पैरोकार हैं। तो उसने कहा, बादशाह हबशा ने कहा, अंबियाए किराम का दीन इसी तरह पनपता है। ये सारी बातें उसने कहीं और फिर उसके बाद उसने फैसला कर दिया कि ये हमारी सरजमीन पर आए हैं, ये हमारी पनाह में आए हैं, हमारी पनाह में ये रहेंगे, हम इन्हें कभी तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। अबू सुफियान बाहर निकलने के बाद वो क्या कहते हैं कि वल्लाहि लौलल हया मिन अय्यासुरु अनिल किज़्ब लकज़बतु, बखुदा अगर मुझे इस बात से कि हया न होती कि बाद में लोग मेरे बारे में ये कहेंगे कि मैंने झूठ बोला था, अगर मुझे इस बात से शर्म नहीं होती तो मैं झूठ बोल देता, लेकिन मुझे हया माने थी, हया ने मुझे रोक लिया और मैंने वहाँ झूठ नहीं बोला। वहाँ अबू सुफियान ने हया का लिहाज किया और झूठ नहीं बोला था, रब्बे कायनात ने उसका ये सिला दिया कि ईमान की दौलत से सरफराज कर दिया। तो अल हया ला याती इल्ला बिखैर, हया भलाई ही लेकर के आती है। हम सहाबे किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की ज़िंदगी देखें, उनके अंदर हया कितनी ज़्यादा थी। सहाबियात की ज़िंदगी देखें, उनके अंदर हया कितनी ज़्यादा थी। तो ये हया भलाई ही लेकर के आती है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया है, ये हम अपनी ज़बान में बोलते भी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिम्मा अदरक अन्नास मिन कलाम नबुवती इदा लम तस्तहयी फसना बिमाशित, कि ये अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम के इफादात में से है, और अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम के ये इफादात में से है
कि अंबियाए किराम ने यह बयान फरमाया है कि अगर तुम्हें हया नहीं आती है, शर्म नहीं आती है, तो जो चाहो करो। आज भी हम कहते हैं कि बेहया बाश हर चे खाही कुन, बेहया हो जाओ फिर मुआशरे में जो चाहो करो। तो आदमी जब बेहया हो जाता है तो फिर जो है उसे अच्छाई और बुराई की तमीज़ नहीं रहा करती है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक सहाबी थे, वो अपने भाई को हया के बारे में नसीहत कर रहे थे और हया की तलकीन कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने खड़े होकर के इरशाद फरमाया, दाहो फ़इन्नल हया मिनल ईमान, छोड़ो इसको, यानी समझाने की ज़रूरत नहीं है, हया तो ईमान का हिस्सा है। जहाँ ईमान होगा वहाँ पर हया पाई जाएगी, और जहाँ पर ईमान नहीं होगा वहाँ पर बेहयाई पाई जाएगी। तो ये हया इतनी बड़ी दौलत है। हम समझते हैं कि बेहयाई, आज अगर कोई बेहयाई करता है तो हम कहते हैं बड़ा बोल्ड आदमी है, हम कहते हैं बड़ा जरी आदमी है, बड़ा होशियार है, आगे चल के बहुत तरक्की करेगा। और इसी चीज़ का नाम मगरिब ने तरक्की रखा है। जो मुआशरे में जितना बेगैरत होता है वो उतना बड़ा तरक्की याफ्ता माना जाता है। आज फिल्मी दुनिया के जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस हैं ये बेहयाई ही तो करते हैं, उनके बारे में आज हमारी कौम ये तबसरा करती है बड़ी तरक्की कर लिया है, बड़ी ऊँचाइयों तक पहुँच गई है। जितना बेगैरत इंसान हो जाए, जितना बेहया हो जाए, साइंस ने और मगरिब ने उसी चीज़ को तरक्की नाम रखा है। आज देखें, अगर बाजार में आप निकल जाएं तो बाज़ार में अगर किसी बच्ची के लिए कोई लिबास तलाश करना चाहें, बग़ैर आस्तीन के आपको कोई लिबास नहीं मिलेगा। अपनी बच्ची के लिए कई मरतबा ऐसा इत्तेफाक हुआ है, आस्तीन न होने की वजह से कभी ऐसा भी हुआ है कि हम बाज़ार से वापस पलट आए हैं, ऐसा भी हुआ है। पहले दुपट्टा सर पे था, कुरान पाक ने फरमाया वलयदरिबन बिखुमरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न, कि अपनी औरतों को हुक्म दो कि ये पहले तो ऊपर से ऐसा लिबास पहने कि उनका नशेब व फराज जाहिर ना हो, और फिर उसके ऊपर से दुपट्टा डाल ले। आज अगर देख लिया जाए ख़ासतौर से शादियों में, तो किसी भी खातून के सर पर कोई दुपट्टा नहीं होता है। दुपट्टा सर पे था वो भी ख़त्म हो गया। पैजामे क्या पहले टखनों के नीचे तक था, अब टखनों से ऊपर चढ़ गया है। और अजीब मामला ये है कि मर्द अपने लिए इस बात को पसंद करता है कि उसका पैंट और उसका पैजामा टखनों से नीचे रहे, और अपनी घर की औरतों के लिए ये पसंद करता है कि उसका पैजामा आधी पिंडली तक रहे, और इसी को फैशन करार दिया जाता है। इसी को तरक्की आज के ज़माने में कहा जाता है। ये सब इंटरनेट की देन है, ये सब हमारे मोबाइल की देन है कि घर की चार दीवारी में भी उसने हमारी बहन बेटियों को महफूज नहीं रखा है। आदमी चार दीवारी इसीलिए लगाता है कि किसी की बुरी निगाह हमारी बेटियों के ऊपर न पड़े, हमारी बहन बदनिगाही से महफूज रहे, हमारी माएँ बदनिगाही से महफूज रहें। लेकिन इन चार दीवारियों में दरवाज़ा भी इसीलिए लगाया जाता है किसी की गलत अंदाज की निगाह हमारे जो है घरों में ना आए। लेकिन आज जब हमने अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी भतीजियों के हाथ में हमने मोबाइल दे दिया, तो हमने तो सारी दुनिया उसके हाथ में थमा दिया। बुराई का हर रास्ता हमने उसे दिखा दिया है। फिर औलाद बिगड़ती है, उसके नाजायज़ ताल्लुकात होते हैं, नाजायज़ और नामहरम लड़कों के साथ उसकी दोस्तियां होती हैं, और फिर बात यहां तक पहुंचती है कि माँ बाप की गैरत को और उनकी इज्जत को खाक में मिला करके जब यही बेटी किसी गैर के साथ भाग जाती है और कोर्ट मैरिज करती है, हम सर पे हाथ रख करके बैठ जाते हैं, मुआशरे में मुँह दिखाने के लायक नहीं होते हैं। ये सब इसलिए हुआ कि आदमी ने इस्लाम और दीन की तालीमात से दूरी इख्तियार की। ये इसी बुनियाद पर, जब भी बंदा इस्लाम की तालीमात से जबरूगर्दानी करेगा तब तब रब्बे कायनात उसे जलील फरमाएगा। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नल हया वल ईमान कुराना ओ जमीअन फैदा रोफिया अहदुहुमा रोफिया अल आखर, कि हया और ईमान ये दोनों जुड़वा भाई हैं, ये दोनों हमनशीन हैं, जिनमें से जब एक चला जाता है तो दूसरा टिकता नहीं है। अगर हया ख़त्म हो जाती है ईमान बाकी नहीं रहता है, ईमान अगर चला जाता है तो हया बाकी नहीं रहती है। और देखा गया है जिस कौम या जिस फर्द का हया ख़त्म हो जाती है तो ऐसी सूरत में एक ऐसा दौर आता है कि दुनिया देखती है वो ईमान से हाथ धो बैठता है। तो सबसे ज़्यादा मोबाइल के ज़रिए और इंटरनेट के ज़रिए हमारे जो नुकसान हमें पहुंचा है वो ये कि हमारे मुआशरे में बेहयाइयाँ पनपी हैं। आज
इंटरनेट का जो पैकेज है बहुत सस्ता हो गया है। हम लोग जब छोटे थे उस ज़माने में मोबाइल आया था, पहली मरतबा जब यहाँ पे मोबाइल आया था 25,000 का, उस ज़माने में 25,000 लाखों के मुकाबले में था, और बड़े चंचीदा चीदा लोगों के पास था वो मोबाइल। अगर तस्वीर उसकी देख लेते थे, किसी इश्तिहार में तस्वीर आ जाती थी तो एक भीड़ लग जाती थी कि ये मोबाइल है, बगैर तार के जो है बात हो जाती है, बगैर वायर के बात हो जाती है, ताज्जुब होता था। और उस ज़माने में जो है उससे कॉलिंग भी बहुत महंगी थी, बल्कि जब हम लोगों के इस्तेमाल का वक्त आया था, जब सादा मोबाइल था, तो 5 रुपया मिनट बात हुआ करती थी। और आज अगर आप हिसाब लगा लें, जिस अंदाज से हमें पैकेज दिया जाता है, हिसाब लगा लें तो हम दिन भर बात करते हैं, और उसका हिसाब लगाएं तो चंद पैसों में उसका हिसाब निकल जाएगा। 350-400 में ये हमें पैकेज देते हैं, उसमें इंटरनेट रहता है, कॉलिंग फ्री रहती है, मैसेज फ्री रहते हैं, सब कुछ फ्री रहता है। ये सस्ता होता जा रहा है, और हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, हमारे खुर्दोनोश की जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, आसमान छूती चली जा रही हैं। आखिर वजह क्या है कि 350-400 में बातिल हमें 2.5 लाख वेबसाइटें और चैनलें दिखाता है, जिसमें फहश फिल्में हैं, गाने हैं, फहश तस्वीरात हैं, न जाने कैसे कैसे इलाहाद की और कुफ्र की बातें हुआ करती हैं। ये चीज़ें हमें बातिल क्यों दिखा रहा है? आखिर उसकी हमसे कोई रिश्तेदारी तो नहीं है, कोई ताल्लुकात तो नहीं है? बातिल ये जानता है कि मुसलमान कमज़ोर अगर पड़ेगा तो जज्बात मारने के बाद कमज़ोर पड़ेगा, और जज्बात ख़त्म होते हैं बेहयाई की बुनियाद पर। जब बेहयाई मुसलमानों में फ़रोग पाएगी, उनका ईमान कमज़ोर पड़ जाएगा। जब ईमान कमज़ोर पड़ेगा, जज्बात कमज़ोर पड़ जाएंगे, क्योंकि ये जज्बात ईमान की बुनियाद पर रहते हैं। जंगे गर्म हो या सर्द हो, कोई भी जंग हो, वो जंग जज्बात की बुनियाद पर लड़ी जाती है। जज्बात को कभी शिकस्त नहीं दिया जा सकता है, और जज्बात अगर कमज़ोर पड़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है ईमान की कमज़ोरी की दलील है। जब आदमी अंदर से खोखला हो जाए तो चाहे उसके सर पे टोपी रहे, चाहे उसके चेहरे पे दाढ़ी रहे, जब वो अंदर से खोखला है फिर उसके ऊपर एटम बम मारने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद एक दिन ढह जाएगा, वो मुआशरा खुद ब खुद एक दिन तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये मुआशरे में जो बेहयाई आई है, ये इसी मोबाइल की देन है। इसलिए इसके जहाँ फवायद हैं वहीं नुकसान भी हैं। अब जिम्मेदारी हमारी ये बनती है कि हम इसके नुकसान को पेश नज़र रखें और उतना ही इस्तेमाल करें जितना शरीयत ने हमें इजाज़त दिया है। आदमी जब बेहया हो जाता है, और जब उसकी आंखें रात भर फहश फिल्में देखती हैं, फहश तस्वीरें देखती हैं, और गैर इस्लामी सूरतें वो देखती है, ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला उससे 3 फ़ायदों को छीन लिया करता है। एक तो ये, नमाज में उसका दिल नहीं लगता है, नमाज में वो ऊपर नीचे होता रहता है, दिल कभी यहाँ गया कभी वहाँ गया। जो चीज़ें, जो तस्वीरें, रात भर रात की तारीकी में जो चीज़ें देखी हैं, जहन उसी में उलझा होता है। रब की बारगाह में बैठ करके भी रब से ताल्लुक़ नहीं जोड़ पाता है, खाने खुदा में आ करके भी वो अल्लाह तबारक व ताला से ताल्लुक़ नहीं जोड़ पाता है। और मोबाइल की लत तो ऐसी है कि ऐसा भी देखा गया है कि सलाम फेरने के बाद, होना तो ये चाहिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले वो मरते ही जन्नत में चला जाएगा। जो फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले वो मरते ही जन्नत में चला जाएगा। होना तो ये चाहिए कि हम फ़र्ज़ नमाजों के बाद औराद व वज़ाइफ पढ़ें, कुरान की कुछ आयतें तिलावत कर लें, हदीस पाक में जो औराद और वज़ाइफ है उन्हें पढ़ लिया करें। लेकिन ऐसा देखा गया है, सलाम फेरते ही आदमी जेब में हाथ डालता है, मोबाइल निकालता है और चेक करता है कि कहीं मैसेज तो नहीं आया, कोई कॉल तो नहीं आई, कोई चीज़ तो नहीं है, वो फ़ौरन चेक करता है। यानी रब की बारगाह में बैठ करके भी बेहयाई का आला लेकर के वो आता है, मस्जिदों में बैठ करके वो मोबाइल का इस्तेमाल किया करता है। तो ये मोबाइल, इसने हमारी गैरत को इस कदर मुर्दा कर दिया है कि हम इतना भी नहीं तसव्वुर कर सकते हैं कि हम अल्लाह के घर में बैठे हैं और मोबाइल जो है बेतहाशा हम तलाश चलाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पे बैठ करके वीडियो, और वीडियो में वो औरतें और उनकी नंगी तस्वीरें, ये सारी चीज़ें जो है हम इस मोबाइल में चलाते हैं, मस्जिदों में बैठ करके, और हया नहीं आती है। अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया है कि इदा लम तस्तहि फसना बिमाशित, अगर बेहया हो गए हो तो फिर जो चाहे करो। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का कि हया देखें, आज औरतों के हवाले से अगर देखा जाए,
आप मार्केट चले जाइए, एक ज़माना वो था हमारे बचपन में कि हम लोग जब जाते थे तो औरतें अगर चलती थीं तो अगर उन्हें एहसास हो जाता था कि पीछे कोई आदमी आ रहा है, अगर कदमों की चाप सुन लिया करती थी तो दीवारों से ऐसे चिपक जाती थी जैसे लग रहा है दीवार के अंदर चंबुक है, उसने अपना खींच लिया है, इस कदर चिपक जाया करती थी। आज ये आलम है कि अगर रास्ता 20 फीट का है और 5 लड़कियां चल रही हैं, आपको रास्ता जाने का नहीं मिलेगा। ये बेहयाई नहीं तो क्या है? सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की ज़िंदगी देखें। हज़रत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी साहबजादी, हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बहन फरमाती हैं कि जब मेरी शादी हज़रत ज़ुबैर से हुई तो उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, घरने के लिए रहने के लिए घर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और उनका जो बाग था वो मदीना तैयबा से 3 फरसंग की दूरी पर था। ये 3 फरसंग तकरीबन जो है 3 किलोमीटर आज के ज़माने में पड़ जाएगा, 2.5-3 किलोमीटर। फरमाती उतनी दूर मैं जाती थी और वहाँ जा करके मैं गिठलियाँ इकट्ठा करती थी और गिठलियाँ अपने सर पे लाद के लेकर के मदीना तैयबा आया करती थी। तो फरमाती है एक मरतबा मैं आ रही थी तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के साथ जा रहे थे, अल्लाह के रसूल ने मुझे देखा तो कहा कि अस्मा हमारे पीछे पीछे तू भी आ जा। तो हज़रत अस्मा कहती हैं मैं उन पीछे पीछे चला, आगे आगे सहाबे किराम रिज़वान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सहाबा पीछे में। तो हज़रत अस्मा कहती हैं कि मुझे झिझक महसूस हो रही थी मर्दों के पीछे चलने में और मर्दों के साथ चलने में मुझे झिझक महसूस, मेरी इस झिझक को अल्लाह के रसूल ने देख लिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दे दिया आगे बढ़ जाओ। तो ये उस ज़माने की ख़वातीन थी जो मर्दों के पीछे, मर्दों के साथ नहीं, मर्दों के पीछे चलने में हया महसूस करती थी। ये उस ज़माने की औरतें थीं जिन्होंने हया महसूस किया और रब्बे कायनात ने उसका सिला ये दिया कि हज़रत अस्मा बिनते अभी बकर रदी अल्लाह ताला अन्हा को कि अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले इस्लामी सल्तनत में जो सबसे पहले मुसलमान बच्चा पैदा हुआ वो इनके बतन से पैदा हुआ, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हा। तो हज़रत अस्मा बिनते हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी देखें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, कब्र अनवर हज़रत आयशा के घर में बनी। हज़रत आयशा कहती हैं कि मेरे शौहर थे, अल्लाह के रसूल थे, मुझे कोई पर्दा नहीं, मैं उसमें रहती थी जैसे चाहती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का विसाल हुआ, पहलू में दफन किया गया, मेरे बाप थे, मैं वैसे ही रहती थी। लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ और उनको हज़रत अबू बकर के पहलू में दफन किया गया, हज़रत आयशा कहती हैं मैंने एक पर्दा लगा दिया, अब इस पर्दे के पीछे वो कब्रें थी, पर्दे के पीछे मैं रहा करती थी। आखिर हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला क्या ज़ाहिरी हयात के साथ बैठ के देख रहे थे, लेकिन ये उनकी हयात थी। लोगों ने पूछा कि पहले आप नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रों पर आती थी, जैसे रहती थी आती थी, हज़रत अबू बकर दफन हुए वैसी आती थी, लेकिन उसके बाद देखा यह गया है आप जब कब्र अनवर पर आया करती थी तो आप अपने बदन को अच्छी तरह ढक करके आया करती थी। तो हज़रत आयशा ख़ुद फरमाती हैं वमा दखलतुहु इल्ला व अना मस्दूदतुन अलैया थियाबी, मैं आती थी इस तौर पर कि मेरे पूरे बदन पर कपड़ा होता था और ये काम मैं इसलिए किया करती थी हया मिन उमर, क्योंकि मुझे उमर से हया आती थी। तो ये उन ज़माने की ख़वातीन थीं जिन ख़वातीन के नक्श कदम पर चलना ये हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है। हज़रत खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा गमज़दा बैठी हुई थी, हज़रत अस्मा बिनते यजीद, हज़रत अस्मा बिनते उमैस रदी अल्लाह ताला अन्हा, इन्होंने पूछा कि आखिर इस रंजीदगी का सबब क्या है। तो हज़रत खातून जन्नत ने कहा कि जीते जी मेरे आँचल को मेहर माह ने नहीं देखा, चाँद व सूरज की रोशनी नहीं नहीं देखा, मैं इस बात को की फ़िक्र में हूँ कि जब मेरा इंतकाल हो जाएगा, मुझे जब जनाजा मेरा लेके जाया जाएगा, मेरे बदन का नशेब व फराज जाहिर होगा, दुनिया मेरे बदन को देखेगी, मुझे इस बात से हया आती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी को हज़रत अस्मा बिनते उमैस ने कहा कि हमने जब हिजरत करके
हम हबशा गए थे, हबशा में हमने एक तरीका देखा था जनाजे का, और उन्होंने बताया जिस तरीके से आजकल जनाजे के ऊपर वो एक रहती है ना, वो रख दिया करते हैं और उसके ऊपर चादर उड़ा दिया करते हैं, वैसे उन्होंने खजूर की शाखों से बना करके कहा कि इस तरीके से वहाँ जनाजा ले जाती हैं। तो हजरत खातून जन्नत इतना खुश हुई थी कि उन्हें दुआ दिया था। आप अंदाज़ा लगाएं मरने के बाद भी हया इस कदर है कि मरने के बाद भी अपनी जो है बदन के ऊपर और उसके ऊपर कफन के ऊपर से किसी की नज़र पड़ जाए, यह हजरत खातून जन्नत को गवारा नहीं। ये वो तालीमात है जो हमें अपने बच्चियों को देने की ज़रूरत है ताकि आज जो दुश्मन हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है उससे बचा जा सके। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।